वाह कितनी सर्वगुण संपन्न हो, लगता है सच से भागना भी कलिंग का एक बहुत बड़ा गुण है। क्या कहा? सच। तुम्हारे पूजनीय जयेश भाई बदरक से देवी का स्वयंवर जीता नहीं है तो क्या किया उसने? पीठ पीछे से वार किया, दिखा दी ना अपनी औकात। अगर उसके रागों में तुम्हारी तरह क्षत्रिय हो ना, कहो उससे सामने आए, सामने से वार करे। कोई आवश्यकता नहीं, मेरे भाई को तुम जैसे क्रूर निष्ठुर निर्दयी निर्भय के समक्ष आकर अपनी बहादुरी साबित करने की समझे, और मेरा भाई किसी के पीठ पीछे वार नहीं करे। तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह बहादुर है, ईमानदार है या सच्चा है? देखो तुम अपनी हद पर। इस हद को रोज न जाने तुम कितनी बार आर पार करती हो। जब से मुझसे मिली हो प्यार का मसीहा बनके प्यार का डंका बजा रही हो, और फिर क्या किया? धन संपत्ति के लिए प्यार की आहुति दे दिया। अपने दद्दू के उम्र के अधेड़ आदमी से विवाह करी क्यों? क्योंकि वो कहीं का राजा है। तुम नहीं समझोगे कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, समझे? पर मैं अवश्य जानती हूँ कि तुमने देवी की मांग में सिंदूर क्यों भरा। अपने स्वार्थ, अपने गुरूर के लिए, स्वयं को चतुराई से जिताने के लिए। इसकी हार तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, फिर चाहे वो जंग दिलों की हो या तलवारों की, तुमने देवी की मांग भरी अपनी जीत के लिए। क्योंकि प्यार तो तुम देवी से नहीं करी थी, नहीं करी है ना? नफरत है मुझे, नफरत है मुझे प्यार से। अच्छा, फिर भी कितना अच्छा खेल खेला ना तुमने प्यार का, अपने गुरूर के लिए। पर मैं ये विवाह करूंगी सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए। अपने राज्य से प्यार के लिए, अपने कलिंग वासियों, अपनी प्रजा, अपने परिवार, अपने छोटे भाई, अपने पिता से प्यार के लिए। तेरे पिता तेरी माँ से नहीं तुझसे घृणा करते हैं, तेरे कारण उन्होंने तेरी माँ को महल से बाहर निकाला था। पिता पुत्र के बीच में प्रेम जैसा प्रेम इस दुनिया में और कोई नहीं है। यही है घोर दुख, पिता ने नहीं देखा पुत्र का मुख। ओ तो बोलती बंद, क्या ही बोलोगे? पिता क्या होता है तुम क्या जानो? पिता का प्यार जो कभी नहीं देखा तुमने, देखा मैंने आज कि तुम्हारे पिता तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। क्या तुमने कभी अपने पिता से प्यार किया है? बहुत सुना है मैंने कि तुम दोनों कभी आमने सामने एक साथ एक दूसरे के समक्ष नहीं आए, और ये भी ज्ञात है कि उस रात तुमने उनके सैनिक को भी मार डाला। चुप। मेरे पिताजी, मेरी नफरत उनके लिए, मेरा मकद, मेरी नफरत। एक पुट्टे से विवाह करने के लिए मेरे पिताजी को बीच में मत लाओ। अपने आप को सही साबित करने के लिए मेरे पिताजी के नफरत पे अपने विवाह का महल मत बनाओ। विवाह, महल, अरे विवाह की रस्म तो तुम्हारी देखी मैंने। वाह क्या रस्म थी। एक पिता अपने बेटे के ही विवाह में पर्दे के पीछे खड़ा था, सबसे मिला, सारे बच्चों से, सब राजाओं से, सारी प्रजा से, पर तुमसे नहीं। क्यों अशोक? कहीं उन्होंने तुम्हारे अंदर की सच्चाई, तुम्हारी बुराई तो नहीं देख ली? मेरे और औरों की तरह उन्होंने तुम्हारी आत्मा की अंदर की कालीक तो नहीं देख ली? वीरता की जगह तुम्हारी क्रूरता तो नहीं देख ली? बस एक शब्द और नहीं बोलूंगी। देखो मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और प्राण भी दे सकती हूँ। किंतु तुम, तुम्हारे पिता पूरे साम्राज्य में केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। अवश्य तुमने उनके साथ कुछ बहुत गलत किया है। क्यों वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते? Yeah!
प्रचंड अशोक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।